नए साल में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पंजाब पुलिस सतर्क है। इसी कड़ी में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से भी कानून व्यवस्था के सहयोग करने की अपील की है। तो जहां पर नए साल का आगाज कुछ घंटों बाद हो जाएगा और इसी को लेकर पंजाब पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है, और बाकायदा आपको बता दें कि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर तमाम पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहां तक कि जनता से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। कल हमने देखा किस तरीके से जगहों जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, सभी आने जाने वाले वाहनों पर मुस्तैदी के साथ पैनी नजर बनाई जा रही है, क्योंकि आतंकी हमले की सूचना सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दी गई थी, अलर्ट दिया गया था, जिसको लेकर पंजाब पुलिस अपनी मुस्तैदी का परिचय देती हुई दिखाई दे रही है। जगहों जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उससे बाकायदा पूछताछ हो रही है, और लग रहा है जो संदिग्ध जगह है वहां पर खास तौर पर पैनी नजर बनाई जा रही है। और इसको लेकर आपको बता दें कि पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने भी अब ट्वीट कर दिया है और तमाम पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इन तमाम दिशा निर्देशों का जरूर पालन करें, सख्ती के साथ पालन करें। यहां तक कि लोगों की भी इन तमाम परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि लोग भी नियमों का पालन करें, ईमानदारी के साथ पालन करें। तो पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, लगातार हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में पंजाब पुलिस की जो मुस्तैदी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको लेकर खुद पंजाब डीजीपी गौरव यादव भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वो खुद नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं तमाम परिस्थितियों को। जी बिल्कुल यश, इससे पहले अगर बात करें तो जिस तरह से खुफिया इनपुट भी आए थे, केंद्रीय एजेंसी की तरफ से भी इनपुट आए थे कि पंजाब में जो है आतंकी हमले की नापाक साजिश जो है वो रची जा सकती है, जिसको लेकर लगातार जो है पंजाब पुलिस जो है मुस्तैद चल रही है। पिछले तकरीबन एक दो हफ्ते की अगर बात करें तो ऑपरेशन ईगल चलाया गया था पूरे पंजाब की अगर बात करें तो, तमाम बड़े शहरों में जो है नाकेबंदी का दौर जो है वो जारी है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, और नया वर्ष जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर डीजीपी गौरव यादव की ओर से ट्वीट भी किया गया है। कुछ दिन पहले आईजी हेडक्वार्टर जो सुखचैन सिंह गिल, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उन्होंने कहा था कि कोई भी अप्रिय घटना पंजाब में ना घट पाए, इसको लेकर पंजाब पुलिस की खास नजर रहेगी, पूरे पंजाब में जो है वो नाकेबंदी की जाएगी, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। और आज डीजीपी गौरव यादव की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि नया साल जो है खुशियों भरा रहे और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम दिशा निर्देश और लोगों से आग्रह भी करते नजर आए हैं कि नया साल पर जो है किसी तरह का हुड़दंग ना मचे, तो कानून व्यवस्था का जो है लोग पालन करें। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी आग्रह किया है लोगों से कि शराब पीकर जो है गाड़ी ना चलाएं, अगर पार्टी में जाना है तो किसी भी तरह का वेपन जो है साथ में कैरी ना करें। जो फेक ऑफर्स होते हैं नए साल पर, ऑनलाइन फेक ऑफर्स जो ऑनलाइन दिए जाते हैं उनसे जो है बचा जाए, और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो है हुड़दंग मचाने से बचा जाए, और जो माइनर्स हैं उनको जो है ड्राइव ना करने दिया जाए, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 112 और 181 पर जो है वो कॉल की जाए। इस तरह का आग्रह जो है डीजीपी गौरव यादव की ओर से दीपक किया गया है। ये बात रही कि लोगों के लिए भी क्या एडवाइजरी जारी की गई है और लोग भी नियमों का ईमानदारी के साथ पालन करें, लेकिन पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि चेकिंग अभियान बहुत मुस्तैदी के साथ चलाया जा रहा है, तो क्या कोई ऐसा इनपुट, कोई ऐसा एविडेंस इस जांच पड़ताल के दौरान मिला? जी, पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो लगातार जो है गैंगस्टर्स की धरपकड़ हो रही है, जिनके आतंकी कनेक्शन है, आतंकियों की धरपकड़ हो रही है, और लगातार उनसे भी जो इनपुट सामने आए हैं, या जिस तरह से जिंदा आरपीजी मिला था, या इनपुट जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों से मिल रहे हैं, उसके आधार पर जो है
पूरे पंजाब में नाकेबंदी की गई है ताकि नया साल जो है वो खुशियों भरा रहे, कोई भी अप्रिय घटना जो है पूरे पंजाब में ना घट पाए। इसको लेकर पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। नए साल की अगर बात करें तो पूरे पंजाब में जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। बड़े शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास नजर जो है पुलिस की ओर से रखी जा रही है। तमाम शहरों में जो है पुलिस की अलग अलग नाकेबंदी की गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है जितने भी मॉल्स हैं या डिस्क हैं या रेस्टोरेंट हैं जिनमें लोग नया साल मनाने जाते हैं, उन पर पुलिस की खास नजर है, उन पर भी एक्स्ट्रा फोर्सेज की तैनाती जो है पंजाब पुलिस की ओर से की गई है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।